बच्चों अब अगर हम देखते हैं कि ट्विटर अभियान का असर क्या रहा है, अगर मैं बोलता हूं बच्चों कि देखिए 1 मिलियन ट्वीट है जो बहुत बड़ी संख्या होती है किसी भी अभियान में, मैं आपके साथ बेटा मैंने ट्वीट तो किए अपने ट्विटर हैंडल से, मैंने वीडियो भी बनाई थी, पर मैं ट्विटर के दौरान लाइव नहीं रह पाया था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा 3 अप्रैल का मन नहीं था, मेरा 9 अप्रैल का मन है, ठीक है। तो मैं उस दिन मेरा कहीं और का प्लान था और मुझे कहीं बहुत जरूरी जाना था, तो मैं साथ नहीं रह पाया, बाकी मैं मोबाइल पे आपके साथ लगातार था। तो बच्चों 1 मिलियन ट्वीट आपने किए, बहुत तगड़ा गुस्सा निकाला है बच्चों ने रिजल्ट के प्रति, और इतने ट्वीट होने पर एक स्टेट में सरकारें हिल जाती हैं, कम बात नहीं है, और हिली है, नो डाउट हिली है। अब बच्चों बात यह आती है कि ट्विटर पर नंबर 2 पे ट्रेंड रहे, नंबर 4 पे रहे, पूरे टॉप 10 पे आप कई घंटे बने रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अब बच्चों तो फिर इसका असर दिखना चाहिए था, जैसे पहले वो चीटिंग वाला चलाया था, स्कैम वाला चलाया था, तो उनका शाम तक नोटिस आ गया था। अब बच्चों इस पे नोटिस क्यों नहीं आया, क्यों अब क्या आ सकता है या नहीं आ सकता है? बच्चों इस हफ्ते सबसे ज्यादा हमें उम्मीद थी कि इस हफ्ते, अभी हफ्ता खत्म नहीं हुआ, उम्मीद थी नहीं उम्मीद है, तो बच्चों मंडे से सैटरडे के बीच बहुत उम्मीद है हमें कि रिजल्ट आ जाएगा, शायद बहुत नजदीक है रिजल्ट, इसलिए जवाब नहीं दिया हो, ये कारण हो सकता है, या ये हो सकता है कि भैया कब देंगे अभी डेट नहीं फिक्स कर सकते, और ऐसे कह नहीं सकते बार बार कि भैया जल्द आ जाएगा, क्योंकि इस पर बच्चा विश्वास करेगा नहीं। तो अब अगर उनको कहना ही है तो डेट के साथ कहना होगा कि इस तारीख को आएगा, अभी या तो उनके पास वो तारीख नहीं है या वो आजकल में देने ही वाले हैं, ये दो कारण हो सकते हैं इस ट्वीट पे जवाब ना देने का, ठीक है बच्चों। तो अब इसके लिए बच्चों अगर इस हफ्ते आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी, इस हफ्ते आ गया तो फिर तो हमारी कोई गीला सिकवा है ही नहीं, और अगर नहीं आया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों फिर हमें यही करना चाहिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, और आप सभी लोगों को एक बार और जान लगानी होगी ट्विटर हैंडल पर, तो 9 अप्रैल को एक बार फिर से हम लोग साथ आ रहे हैं बेटा 9 अप्रैल को, ताकि सरकार को देखिए अब ये बच्चे चुप नहीं बैठने वाले, रोज आवाज उठाने वाले बच्चे हैं, तो सरकार को ये लगना चाहिए बच्चों। तो हम कौन सा ट्विटर यूज करने वाले हैं बच्चों, कौन सा हैशटैग? डिक्लेयर यूपीएसआई रिजल्ट, बेटा सारा उसमें है कैपिटल में, डिक्लेयर यूपीएसआई रिजल्ट, ठीक है। इसको, इस हैशटैग को इस बार ट्रेंड कराना है, 9 अप्रैल को सुबह 9 बजे से ही हमें लगना है, जितना जल्दी लगेंगे उतना ज्यादा अच्छा, उतना जल्दी ट्रेंडिंग में आएंगे, कुछ देर में तो फिर सब लोग उठ जाते हैं और वो गुड मॉर्निंग को भी ट्रेंड कराने लगते हैं, ठीक है बच्चों। तो 9 अप्रैल को आप बच्चों फिर से एक बार, अब तक जिनके पास अकाउंट नहीं है कुछ नहीं, बेटा हम तो इसमें लड़ते ही आए हैं, मतलब आप बच्चों ने हर स्टेज पे यूपीएसआई के लिए लड़ाई लड़ी है, एक बार और लड़ लो, शायद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, यही फाइनल लड़ाई होगी, क्योंकि आपने फॉर्म के लिए लड़ी, आपने रिटर्न एग्जाम के लिए लड़ी, आप अब रिजल्ट के लिए लड़ रहे हो, रिजल्ट ही तो सब चीज होती है बच्चों। तो कुल मिलाकर इसी दिन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, अगर जरूरत पड़ी तो बेटा फिर से एक जोश में आना है, और 1 मिलियन फिर से अगर आप कर देते हैं तो बच्चों सरकार को लगेगा कि अब ये बैठने वाले नहीं है, आवाज दबाई नहीं जा सकती, ये उठती रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से इस लड़ाई को फिर से जारी रखेंगे, तो यही हमारा अगला कदम होना चाहिए, और क्या असर हुआ, असर जबरदस्त हुआ और जबरदस्त रहना चाहिए।